नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल नमकीन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मीठा के साथ कुछ नमकीन भी हो जाए तो ये देखिए, नमकीन में आज मैं चकली बनाऊँगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ बेसन, दो कटोरी बेसन, और एक कटोरी मैं यहाँ पर चावल का आटा लूँगी। आप चाहे तो चावल के आटा की जगह कच्चा चावल को भिंगो के उसको पीस के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चावल का आटा है तो मैं यही इसमें डाल रही हूँ। तो ये दोनों मिक्स करके बनाने से बहुत ही करारी और क्रंची आपका ये जो नमकीन है वो बन के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, दोनों आटा को एक साथ मिक्स कर दूँगी, बेसन और चावल का आटा दोनों को अच्छे से पहले मिक्स करके फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो आप देखते जाइए आगे, पहले इसमें क्या क्या मैं मिक्स करते जाती हूँ इसे चटपटा बनाने के लिए। तो ज़रूर मीठा के साथ ये नमकीन भी आप दिवाली में बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद करेंगे। तो ये देखिए इसमें मैं मसाले में डालूँगी पहले एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हल्दी, और यहाँ पे एक चम्मच मैं डालूँगी ये आमचूर पाउडर, इसे थोड़ा खट्टा बनाने के लिए, चटपटा करने के लिए। और यहाँ पे मैं लूँगी ये करी पत्ता का पाउडर, ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनाता है इसको। आप यदि करी पत्ता है तो उसे महीन काट के भी इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल महीन बारीक काटना है, या पीस के भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पाउडर है तो मैं पाउडर डाली हूँ, दो चम्मच करी पत्ता का पाउडर इसमें मैं डाल दी हूँ। और ये है काली मिर्च और जीरा, हींग, तीनों को मैं हल्का भून के अब पाउडर बना के रखी हूँ। वो पाउडर भी मैं इसमें एक बड़ा चम्मच भर के ली हूँ। और ये है आम, ये अजवाइन और कलौंजी, दोनों को मैं दो चम्मच ली हूँ मिक्स किया हुआ, कलौंजी थोड़ा सा है, अजवाइन है इसमें ज़्यादा, दोनों मिक्स किया हुआ है। दोनों को हाथों में अच्छे से रगड़ के मैं फिर इसमें डालूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल दी, अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ये एक कप पानी है, इसमें से देखिएगा कितना पानी इसमें लगेगा, अभी आप देखते जाइए। इसे बिल्कुल आटे की तरह ही एक डो तैयार करना है, सॉफ्ट डो, ज़्यादा मतलब उसको गीला नहीं करना है, आटे से थोड़ा टाइट सा डो बनाना है, हाथों से मलमल के उसे सॉफ्ट तो करेंगे लेकिन गीला नहीं होगा, टाइट रहेगा बिल्कुल डो ये। तो ये देखिए अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा गीला कर देंगे तो ये नमकीन आपका अच्छा क्रंची नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बात है लेकिन ये सब ध्यान रखने से बहुत ही अच्छा नमकीन बन के तैयार होगा ये। इसे मीठा, ये नमकीन जलेबी भी आप बोल सकते हैं, नमकीन जलेबी, चकली। ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल इसमें, इससे भी ये क्रंची होगा और ये चिपकेगा भी नहीं, और स्वाद भी इसका उसमें पता चलेगा नमकीन में। इससे यहीं पे मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे एक चम्मच भर के डाल दी हूँ इसमें नमक। तो बस अब इसे मैं हाथों से अच्छे से मल के इसे गूँथ लूँगी, आटा जैसे गूँथते हैं ना वैसे इसे गूँथ के बिल्कुल सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इसको मलने से ये अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। तो आप देखते रहिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से बस मल के ये तैयार हो जाएगा। इसे मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, बस इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ढक के इसे छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये सॉफ्ट सा बन गया है, हाथों में देखने से आपको पता लग रहा होगा, ऐसे दबा के देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है ये, गीला नहीं है, सॉफ्ट है। तो बस ये आप ढक के मैं लूँगी, उसके बाद हम इसका नमकीन बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक बनाने वाला इसका मशीन है, इसमें मैं बनाऊँगी।
तो आप देखिए ये है मशीनो, इसमें हाथों से घुमाने का है, प्रेस करने का, बस घुमाएंगे इसे। इसमें देखिए ये तीन चार तरीके का है, लेकिन इसमें डिजाइन मैं एक ये बड़ा वाला इसमें डालूंगी अभी। तो ये डाल के उसके बाद इसको मैं देखिए हाथों से ऐसे गोल गोल करके इसके अंदर भर दूंगी आराम से। तो इसमें ऊपर से मैं तेल डाली हूँ, तो ये तेल से इसका लगा हुआ है इसमें तेल, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आपको ऐसा लगता है चिपकेगा तो अंदर पहले तेल वगैरह लगा दें उसमें। और ये देखिए उसको भर के मैं उसे बंद कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ गैस पर मैं ये कढ़ाई डाल दी हूँ, इसमें तेल डाल के गर्म कर रही हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसे। ये है छनौटा, ठीक है, छानने के लिए। तो इसे मैं पहले इस तेल में डीप कर दी हूँ ताकि ये चिकना हो जाए। इसी के ऊपर मैं ये चकली को यहाँ पे देखिए जलेबी का शेप दूंगी, ऐसे हाथों से घुमा के इस तरह से ये जलेबी का शेप आप इसमें दे दें। ये देखिए आराम से इस पर शेप बन जाता है। आप डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे तो वो खुलने लगता है और शेप सही नहीं बनता है। इस पर आप ऐसे करके बना के शेप, उसके बाद जब थोड़ा तेल गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसके बाद ही उसमें डालें आप इस चकली को। ये देखिए ऐसे करके आप इसमें डाल दें, वो अपने आप ही नीचे कढ़ाई में चला जाएगा। तो बस उसके बाद आप दूसरा इसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से इसे बनाना है, बहुत ही ध्यान से आराम से, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाता है ये। ऐसे देखने से जितना आसान दिख रहा है उतना ही आसान बनाने में भी है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे जैसा डिजाइन चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ जलेबी का शेप दे रही हूँ इसे, तो इस तरह से देखिए बस इसमें डाल देना है। और गैस बिल्कुल मीडियम रखना है, एकदम मीडियम लो में जो बोलते हैं, तरह से रखना है गैस को। ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ये करारा नहीं बनेगा, सॉफ्ट रह जाएगा अंदर से, कच्चा टाइप रह जाएगा। यदि आप इसमें बेकिंग सोडा डाल के बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा भी यहाँ पे एक चुटकी डाल सकते हैं आप, इससे और भी सॉफ्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे ये करारा बना है, मेरे यहाँ सब लोग इसे करारा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसे करारा ही बनाई हूँ। इसमें जो तेल का मोयन हम बीच में डाले हैं, इससे भी ये करारा होता है। चावल और बेसन दोनों मिल के भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है इसका। तो यहीं पे मीडियम में मैं इसे आराम से धीरे धीरे तलूंगी इसे। तो आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, ये गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ये तल गया है। तो बस इस तरह से निकाले आप। एक और तरीका इसे देख सकते हैं, इसमें जो छन्ना है उस देखिए यहाँ बन गया, ये छन्ना में लग चुका है। तो ऐसे आप डालें, उसमें डालते जाएं। आप ऊपर से भी फिसला के इसमें डाल सकते हैं गैस, बस आप ध्यान रखें कि मीडियम ही रखना है, उसे तेज नहीं करना है। तो आपको हमारा ये कैसा लग रहा है नमकीन, और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये देखिए दूसरा भी मैं इसमें अब भर लूँगी, वो पहला बैच जो है इसमें कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो हाफ और बचा था वो सब मैं इसके अंदर डाल के और बस इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, और इसे घुमा के फिर से मैं इसमें टाइट कर दी इसका ढक्कन। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, झटपट से बन जाता है ये नमकीन, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देखिए देखिए इस तरह से बन के यहाँ पे इतना सारा तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर इस दिवाली मीठे के साथ ये नमकीन भी बनाएं। देखिए इस तरह से आप फिसला के भी इसमें गिरा सकते हैं, क्योंकि ये जो छनौटा है इसमें पूरा तेल लग चुका है, तो ये फिसल के आराम से कढ़ाई में चला जाता है। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, और एक मिनट रुक के ही आप पलटे, तुरंत डालते ही नहीं पलटे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही
अच्छा ये बनेगा, तो ज़रूर आप इस दिवाली में इसे बनाएं और मीठा के साथ ये नमकीन भी सर्व करें। सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत खुश होंगे, ये नमकीन भी खाना चाहते हैं लोग, तो इसलिए आप इस दिवाली बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी आपकी ये नमकीन। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, आप इंजॉय करें इसे बना करके। हैप्पी दिवाली।